हेलो स्टूडेंट, आज मैथ्स में अपन डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिवीजन मतलब होता है चीजों को डिवाइड करना। जो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में कोई चीज अपने पास है, तो उसमें क्या क्या होती है, चार चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है डिवीजन, सेकंड होता है डिविडेंड, थर्ड होता है इंक्रीमेंट और फोर्थ होता है रिमेंडर। ठीक है, डिवीजन से डिविडेंड में डिवाइड होती है, डिविजन से डिविडेंड में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है डिविडेंड, और जो बचता है उसे बोलते हैं रिमेंडर। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। 4 से 32 में डिवाइड करते हैं, 4 हमारा हो गया डिविजन और 32 हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो आपने टेबल पढ़ना चाहिए, तो 4 का टेबल इतने टाइम्स रिपीट करना है कि 32 आए या थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है 4 8 32 सबट्रैक्ट करेंगे क्या है 0। तो ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, हम ले सकते हैं रिमाइंडर इक्वल का 0। ठीक है, और इंक्रीमेंट है वो क्या है हमारा 8। क्या किया 4 से 32 में डिवाइड करेंगे, 4 8 32 सबट्रैक्ट करेंगे आएगा 0। तो क्या होगा रिमाइंडर बचा हमारा 0 और क्योंकि ने निकल गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 से डिवाइड बाय 80, 10 हो गया हमारा डिविजर और 80 हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे कितना आता है 10 8 80। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे कितना आता है हमारा 0। तो वही इसमें चलेगा रिमाइंडर का बचा हमारा 0 और जो क्यूबी नाइन है हमारा बचा 8 क्या क्यूबी नाइन। नेक्स्ट देखिए 89 मैं 8 से डिवाइड करता हूं, 8 डिवीजन 89 डिवीजन। ठीक है, अब देखिए अपन, देखो 8 के टेबल में 89 तो नहीं आएगा, तो अपन फर्स्ट पार्ट पकड़ लेंगे वाला आगे का, ऐसे ही बोलो छोड़ेंगे क्योंकि इसे बोल रहा है। तो क्या होगा 8 बंदा 8 एक एक पार्ट लेंगे और इसे भूल जाएंगे, 8 बंदा 8 सबट्रैक्ट करेंगे क्या होता है 0। अब सेकंड पार्ट को लेंगे क्या था जो 9 के 8 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो अपन थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना, कम लेंगे या फिर कटना चाहिए थोड़ा। तो 8 बंदा 8 सबट्रैक्ट करेंगे क्या बचा 1। तो क्या हो गया इसमें रिमाइंडर हो गया हमारा 1 क्योंकि नहीं था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 557 डिवाइड बाय 5, तो बस 5 हो गया अपना डिवीजन, तो ये हो गया अपना 557 डिविडेंड। इससे भी देखिए 5 के टेबल में तो नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा, तो अपन एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं यहां से। तो 5 बंदा 5 बंदा 5 सबट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये वाला नेक्स्ट पार्ट आ गया। फिर देखिए 5 बंदा 5 सबट्रैक्ट करेंगे 0। नेक्स्ट देखिए क्या था 7, अब 5 बंदा 5 और 5 टू होता है 10, तो 10 हमारा क्या हो गया ज्यादा, तो हम कम ही नहीं करेंगे कितना 5 बन जाए 5। ठीक है, रिमाइंडर कितना होता है 2, तो रिमाइंडर 2 और क्योंकि नहीं कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 6 3 9 7 डिवीजर और डिविडेंड, फिर से दो दो डिजिट है, 3 के टेबल में पूरी तो आएगी नहीं, तो
अपन 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 16 से नहीं आता है इसके बाद 1 करेंगे क्या होगा 3 2 6 सबट्रैक्ट करेंगे 0 तो 3 लिखेंगे 3 1 3 सबट्रैक्ट करेंगे 0 लिखेंगे अपन 9 3 3 9 सबट्रैक्ट करेंगे 0 4 7 पर 3 का डिवाइड 3 1 3 और 3 2 6 3 3 3 का होगा 9 9 का होगा ज्यादा 3 2 6 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1 तो ये क्या बना अपना रिमाइंडर इज इक्वल टू का 1 और क्यूटीन इज इक्वल टू का 2 1 3 ये हो गया हमारा आंसर ठीक है तो हमने आज क्या सीखा डिवीजन ठीक है क्या था डिवीजन से डिविडेंड में डिवाइड करते हैं